नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि UGC नेट JRF सीरीज में के अंतर्गत मैं एक लेक्चर का सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो यह मेरा तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय, समय मतलब होता है सर्ग या अध्याय, इसके संबंध में स्मरणीय तथ्य। इसके पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके पहले जो मैंने लेक्चर बनाया है इस पर, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो रेवा तट समय का कथानक, मतलब उसकी कहानी, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो यह एपिसोड आपको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें मैं सिर्फ जो उससे संबंधित स्मरणीय तथ्य है उनकी चर्चा करूँगा और आप अन्य किताबों से भी मिला लें और मिलाकर पढ़ें, अपने विवेक का भी परिचय दें। यहाँ पर आपको वहाँ पर चेक भी कर लेना है कि सभी तथ्य सही है कि नहीं, क्योंकि कई किताबों में कुछ बातें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो हमको अपना आपको अपना मिलाकर पढ़ना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है, कई छात्र मुझे कंडेम भी करते हैं कि इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है। अभी एक मैसेज भी आया था एक छात्र का, वो मेरे सहमत नहीं थे कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप पूरी तरह मुझ पर निर्भर न रहकर जहाँ भी आप प्रामाणिक समझते हैं जिन किताबों को, वहाँ से आप मिलाकर पढ़ें। यह मेरा छोटा सा विनम्र प्रयास है कि इसमें से कुछ तथ्य आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब मुझे जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी है, आप लोगों तक पहुँचाने का मैं विनम्र प्रयास करता हूँ। तो चलिए पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय सर्ग या अध्याय के संबंध में जो स्मरणीय तथ्य हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे आज। तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, पूरी बातें आपको याद रखनी है। रेवा तट जो है पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। अब पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रप्रदाई ने, पता है आपको। रेवा किसे कहा जाता है? रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है और नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। और रेवा भारत के उस हिस्से या भूभाग को भी कहते हैं जहां नर्मदा नदी बहती है। तो रेवा तट मतलब नर्मदा नदी का तट, और नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी जो है अमरकंटक नामक स्थान में मध्य प्रदेश के, वहां से उसका उद्गम हुआ है नर्मदा कुंड से। अब ये जो सर्ग है या फिर अध्याय है, इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, कुछ किताबों में शहाबुद्दीन गौरी भी लिखा हुआ मिलता है, गौरी भी लिखा हुआ मिलता है, तो इन दोनों की लड़ाई का यहां पर वर्णन किया गया है। तो इसमें इसी लड़ाई का वर्णन है। वास्तव में पृथ्वीराज रेवा तट पर शिकार करने जाते हैं जहां मोहम्मद गौरी उन पर आक्रमण कर देता है, किंतु अपने पराक्रम से पृथ्वीराज गौरी को बंदी बना लेते हैं। यह किताबों में जाता है लेता है यह सब लिखा हुआ था, लेकिन हमको रेस्पेक्ट से पेश आना है और हमको पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही सम्मानित हमारे यहाँ के बहुत ही महान शासक हुए हैं, लेकिन ये किताब ने लिखा था तो मैंने वैसे ही लिख लिया इसको। तो मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति वे हैं चामंड राय, जो देवगिरी पर विजय प्राप्त करते हैं। तो मैंने जो पिछली आपको कहानी बताई है उसमें इन सब चीजों का उल्लेख आ चुका है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे, यदि यह पूछा गया तो सेनापति कौन थे, चामंड राय थे और उन्होंने देवगिरी पर विजय प्राप्त किया था। और उन्होंने बताया रेवा तट पर, जो उनके सेनापति चामंड राय हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं कि रेवा तट पर बड़े बड़े दांत वाले ऐरावत हाथी, शेर, कस्तूरी मृग, कबूतर तथा अन्य पक्षियों के होने की सूचना देते हैं। तो यह सूचना कौन देते हैं? सेनापति चामंड राय। तो यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर तथ्यों के रूप में समेकित किया है। चामंड राय पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि जिस हाथी के ललाट पर शिव जी ने तिलक कर तथा जिसका ऐरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने मतलब पार्वती जी ने एक हथिनी प्रदान की थी, उसी की संतान रेवा तट पर फैल गई है। तो चामंड राय जो उनके सेनापति, वो बताते हैं कि वहां पर जो हाथी पाए जाते हैं वास्तव में वह ऐरावत नाम के जो हाथी है उसी के वंशज हैं वो लोग, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से ऐरावत नामक एक हाथी निकला था, तो शंकर भगवान ने उसको इंद्र को दे दिया था और उसी समय पार्वती जी ने भी एक हथिनी दे दिया उसको। तो जब हाथी और हथिनी का जब संगम हुआ, ऐरावत हाथी और हथिनी का, तो बहुत सारे हाथी पैदा हुए और वही ऐरावत इसी हाथी के जो वंशज है वह यहां पर घूमते रहते हैं। कहां पर? रेवा तट पर। तो यह उन हाथियों का हिस्ट्री है कि ये हाथी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हाथी थे, रावत के परिवार के थे और वहां पर वे भटकते रहते थे, घूमते रहते थे।
तो रेवा तट पर चारों प्रकार के हाथी पाए जाते थे। उस समय कैरेक्टराइजेशन रहा होगा, हाथियों के प्रकार चार प्रकार मशहूर रहे होंगे उस समय, तो चार चारों प्रकार के हाथी पाए जाते थे उस समय रेवा तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। रेवा तट प्रसंग में चंद कवि के द्वारा नरपति को, नरपति को मतलब शासक को, पृथ्वीराज चौहान को, उस घटना या शाप का जिक्र करते हैं जिसके कारण देवताओं की सवारी हाथी पृथ्वी पर रहने लगे। मैंने इस कहानी में बताया कि पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कि जो हाथी है, रावत है, वह तो देवताओं की सवारी है, धरती पर ये क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया था चंद कवि ने कि किस प्रकार ये हाथी धरती पर ही रह गए। अंगदेश नाम का एक जगह था, वहां के घने जंगल में, अब ये कहानी सुना रहे हैं, अंगदेश के घने जंगल में स्थित लोहिताक्ष सरोवर के पास शापित हाथियों का झुंड रहा करता था। वास्तव में ये जो हाथियों का झुंड है, यह शापित हाथी है जो वापस इंद्रलोक नहीं जा पाए, स्वर्ग नहीं जा पाए, और ये लोहिताक्ष सरोवर नाम का एक जगह है अंगदेश के जंगल में, वहां पर ये रहते थे। इन हाथियों का झुंड सरोवर में रहता था और पानी में खेलते थे, धवा चौकड़ी मचाते रहते थे, जंगल में घूमते रहते थे। तो ये लोहिताक्ष सरोवर का यहाँ पर उल्लेख है, अंगदेश का उल्लेख है, यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके बाद उसी अंगदेश में के वन में रहने वाले पालकाव्य ऋषि उन हाथियों से बहुत प्यार करते थे। उसी अंगदेश में जहां पर ये हाथी रहते थे, उसी सरोवर के पास, वहां पर एक पालकाव्य नाम के ऋषि रहते थे जो हाथियों से बहुत प्यार करते थे। और ऐसा माना जाता है कि पालकाव्य ऋषि का जन्म भी एक हथिनी से हुआ था। क्योंकि कहानी है, गल्प है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें हमको ज्यादा लॉजिक और रीजनिंग नहीं लगाना है कि हाथी के पेट से मनुष्य का पुत्र कैसे जन्म लेता है, तो यह एक मिथक है। तो पालकाव्य ऋषि का जन्म भी हथिनी से हुआ था। तो ये सभी नामों को, सभी स्थानों को आपको ध्यान में रखना है, ये कहानी को आपको ध्यान में रखना है, पिछले एपिसोड में मैंने इस पर चर्चा किया है। रेवा तट के लिए जाते हुए मार्ग में ही पृथ्वीराज चौहान को लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला। लाहौर के शासक थे चंद पुंडीर दाहिम, जो इनके मित्र थे, इनका पत्र मिला जिसमें लिखा था कि तातार मारूफ खां ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गोरी से हाथ मिला लिया। तातार मारूफ खां यहां पर हो सकता है कि ये लाहौर के शासक हो, नहीं, लाहौर के शासक तो चंद पुंडीर थे, तातार मारूफ खां नाम के एक और शासक थे जिन्होंने, जो सुल्तान मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया था। और उनका उद्देश्य क्या था कि पृथ्वीराज चौहान के पूरे वंशज को, उनके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देना, यह उनका उद्देश्य था। पृथ्वीराज चौहान को अर्धरात्रि में दूध से यह खबर मिलती है कि मोहम्मद गोरी को 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया। तो दूध आता है रात में, पृथ्वीराज चौहान को यह बताता है कि वह बहुत करीब आ चुका है, कौन, मोहम्मद गोरी, और बहुत बड़ी सेना लेकर वह आ रहा है और रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर पहुंच चुका है वह। अब यहां पर चिनाब नदी के पास मोहम्मद गोरी और चंद पुंडीर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु पुंडीर वंशी पांचों वीरों के खत्म हो जाने पर चंद पुंडीर ने युद्ध छोड़ दिया। चंद पुंडीर कौन है? लाहौर के शासक हैं। तो जब ये वहां तक पहुंच गया मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी और चंद पुंडीर के बीच भयानक युद्ध हुआ। वह पांच बहुत जाने माने योद्धा थे, उन पुंडीर वंशी जो योद्धा थे पांच, उनकी मृत्यु हो गई, वह शहीद हो गए, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। चंद पुंडीर ने युद्ध करना छोड़ दिया उनसे। अब क्या हुआ, पंचमी तिथि मंगलवार के दिन प्रातःकाल महाराज पृथ्वीराज गौरी ने, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से युद्ध के लिए धावा बोल दिया। गौरी से युद्ध करने के लिए उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। और यहां पर मंगल ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद, मैं बता ही चुका हूं कि ये तथ्य हैं, सिर्फ इन तथ्यों को आपको याद रखना है कि इसमें किस ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। क्योंकि आजकल परीक्षा का जो पैटर्न है, उसमें चरित्रों के नाम पूछे जा रहे हैं, पात्रों के नाम पूछे जा रहे हैं, स्थानों के नाम पूछे जा रहे हैं, मतलब अभी पैटर्न बहुत ही, जब डीपली आप स्टडी करेंगे तभी आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने अधिकांश चीजों को समेटने का प्रयास किया तथ्य के रूप में। और इनके जो सेनापति थे, पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति वो कौन था, इनकी अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। तो सेनापति जैत का नाम याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान के समय के साथ कौन कौन से योद्धा लड़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान की तरफ से? लाहौर के शासक चंद पुंडीर, चित्रांगी रावर, समर सिंह, जैत पंवार, भट्टी, हुसैन खां, सोलंकी माधवराय, जय सिंह, गुरु गोविंद आदि लड़ रहे थे। ये थे पृथ्वीराज चौहान की सेना में। और मोहम्मद गोरी की सेना कौन लड़ रहे थे? मुख्य रूप से तातार मारूफ खां, ये लड़ाई कर रहे थे, साथ में अन्य यवन योद्धा लड़ रहे थे। और इस युद्ध में सुलख का पिता लखन भी मारा जाता है। ये सब कैरेक्टर्स के नाम है, जो पात्र इसमें आए हुए उनके नाम है, जिनको आपको याद रखना है। इसके शव को महामाया उठा ले जाती है। महामाया देवी भी हो सकती है या फिर कोई लड़की महिला भी हो सकती है।
राम और रावण जैसा युद्ध करने वाला योगी जंघारा, योगी जंघारा भी एक कैरेक्टर है, वह भी इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद लंगा और लंगरी राय ने भी सात सामंतों के साथ युद्ध भूमि में गौरी के साथ भयंकर युद्ध किया। तो यह सब कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम यहां पर आए हैं। और गौरी के हाथी के घुसने से चौहान की 213 सेनाएं दबकर मर गई। ये कुछ तथ्य हैं जिन्होंने मैंने किसी किताब से लिया है, और ये आपको याद रखना है, ये सब परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हालांकि यह बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अब गौरी ने सात बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश गुराई नाम के एक पात्र थे, उसको उन्होंने मार दिया, एक योद्धा थे जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ रहे थे। दूसरे भीम भट्टी को भी मार दिया, और तीसरे बाण से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दिया। तभी पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा थे गुज्जर, जिनका नाम था वास्तव में रघुवंशी राम, उन्होंने गौरी को पकड़ लिया। अब इस समय क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने तर्कश से तीन बाण निकाला, किंतु इससे पहले कि वे बाण चला पाते, उससे पहले ही गौरी पकड़ा जा चुका था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसके बाद हुसैन खान नाम का एक योद्धा था, वह भी युद्ध में मारा गया, और यह संभवतः उनकी तरफ से लड़ रहा था, मोहम्मद गौरी की तरफ से। और गौरी और निसुरती खां को बंदी बना लिया गया, तथा गौरी को हाथी में बांधकर दिल्ली लाया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौरी को हाथी में बांधकर कहां ले गया, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। अब इनको कितने दिन कारागार में रहना पड़ा पृथ्वीराज चौहान के यहां, 1 महीना और 3 दिन तक इनको वहां कारागार में रहना पड़ा दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के यहां। इसके बाद जब गौरी के अमीरों ने प्रार्थना की, अमीर मतलब जैसे हमारे यहां सामंत होते थे, शासकों के जो सामंत वगैरह होते थे वैसे उनमें अमीर होते थे, अब एक मतलब लोगों का एक समूह होता था, राजा कुछ लोगों का एक समूह बना देता था, उसे अमीर कहा जाता था। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि भाई हमारे शासक को छोड़ दीजिए, हमारे राजा मोहम्मद गौरी को छोड़ दीजिए, तो पृथ्वीराज चौहान ने उन पर जुर्माना लगा दिया, बहुत सारा दंड स्वरूप क्या क्या लिया, 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढाले, गज मुख्तार, अनेक मणि माणिक्य दिए। तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ा और सलामत बाइज्जत छोड़ दिया। मतलब पूरा एक राजा दूसरे राजा के साथ जितना रेस्पेक्ट के साथ, जितने सम्मान के साथ पेश आता है, उसी प्रकार सम्मान के साथ उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें किन प्रकार के छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है, किसने, चंदवरदाई ने किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। संपूर्ण रेवा तट प्रसंग में कवि चंदवरदाई ने छंदों में दुहा, अपभ्रंश में दुहा कहा जाता है, वास्तव में यह दुहा है, कवित छप्पय षटपद या षटपदी छप्पय अरिल्य कुंडलिया छंद कंठ शोभा साटक भुजंगी छंद दंडमाली छंद मोतीदाम छंद रसावला आदि का प्रयोग किया, इन छंदों का इसमें प्रयोग किया गया। और दोहा या दोहा छंद क्या होता है, यह एक मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद वार्णिक छंद दो प्रकार के छंद होते हैं, इसमें विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु वर्ण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वास्तव में छंद के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी या ज्ञान नहीं है, तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं कि दोहा या दोहा छंद क्या होता है, कवित्त क्या होता है, ये सब, ये तो इसमें चूंकि आया है इसलिए मैंने यहां पर उसका उल्लेख किया है। कवित रेवा तट में जितने भी छंद कवित नाम से प्रयोग किया गया है, कोई भी छंद ग्रंथ में दिए गए लक्षणों से मेल नहीं खाते हैं। वस्तुतः कवि चंद ने छप्पय को ही कवित्त कहा है। इसका कारण यह है कि 17वीं शताब्दी से पहले छप्पय कवित्त नाम से ही जाना जाता था। तो इन्होंने जो कवित्त कहा है वास्तव में कवित्त नहीं, वास्तव में वह छप्पय है। तो कवि चंद ने हो सकता है गलती से उसे क्या कह दिया है, कवित्त कह दिया है, लेकिन क्योंकि 17वीं शताब्दी से पहले छप्पय को ही कवित्त कहा जाता था, लेकिन कवित्त के जो लक्षण होते हैं इससे यह मेल नहीं खाता। अब दंडमाली छंद यहां पर इन्होंने प्रयोग किया, यह क्या है, कवि चंद के समय हरि गीतिका या महेश्वरी छंद को दंडमाली छंद कहा जाता था। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-12 की यति से 28 मात्राएं होती हैं। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दंडमाली छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होते हैं, और कहां पर यति होता है, दंडमाली छंद क्या है, या मतलब ये प्रश्न का तो कोई वो नहीं है, हिंदी साहित्य में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद साटक छंद क्या होता है, यह छंद आधुनिक छंद ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है, गुजराती भाषा में इस छंद को देखा गया है। तो साटक छंद का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, यह भी प्रश्न आ सकता है, तो गुजराती भाषा में किया जाता है। वहां इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण बताए गए हैं, संभवतः यह शार्दुल विकृत छंद का पर्याय हो। अब शार्दुल विकृत छंद इसका पर्याय कौन सा है, तो साटक छंद है संभवतः।
इसके बाद मोतीदाम छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यह 13 मात्राओं वाला एक वार्णिक छंद है जिसमें 16 चरण होते हैं, कुल 256 मात्राएं होती हैं। तो यह सारी चीजें आपको दो चार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा परीक्षा में यदि आता है तो। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इनमें से कोई तथ्य न छूटे जो परीक्षा में आए और आपसे न बने। बाकी डिटेल में तो आपको किसी न किसी किताब से पढ़ना ही पड़ेगा। रसा वाला छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इस नाम का छंद उपलब्ध छंद ग्रंथों में नहीं मिलता है। भानु जी के छंद प्रभाकर में विमोहा एक छंद है जिसका अन्य नाम जोहा, विजोहा, दियोधा और विजोदा मिलते हैं। उसी से रसा वाला छंद का लक्षण मिलता है। संभव है कि छंद कवि के समय विमोहा छंद रसा वाला छंद के नाम से जाना जाता हो। इस रसा वाला छंद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर, 10 मात्राएं और 2 रगण बताए गए हैं। तो रगड़ मगड़ तगड़ कुछ होता है छंद में, उसको आपको पढ़ लेना है। ये बेसिकली मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस भी किताब से आपको पढ़ने को मिले जरूर पढ़ लें। यदि ये पद आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस में से लिया गया है। तो रेवा तट के महत्वपूर्ण कुछ पद मैंने यहां पर लिखा हुआ है। देवगिरी जीते सुभट आयो चामंड राई, जय जय नीप कीरति सकल कही कविजन गाई। ये एक हो गया एक पंक्ति। इसके बाद ये हो गया दूसरा, हिमाचल उपकंठ एक वट वृष उतंग, सौ जोजन परिमाण सास तस मतंग। इसके बाद कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम कन्दम, फल्ली कलीदे जरियम कुंजर करी धुलय तनम। इसके बाद है नेक्स्ट, स्रोतम भूपय गोरियम बर भरम, बज्जाय सज्जाई ने सा सेना चातुरंग मंदी उल्लम तक्कारम मारुफयम। इसके बाद है बह बह कही रघुवंश राम हकारी सा उठियो, सुनो सब सामंत साहे आए बल घुटियो। अपभ्रंश है तो हमको उत्तर समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन आपको याद रखना है कि ये मैं आपको एक दिशा दे रहा हूं कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तब कहे जैठ पवार सुनाओ पृथ्वीराज राजमत, युद्ध साहि गोदी नरिंद लाहौर कोटगात। इसके बाद है गही गोरी सुल्तान शान हुसैन उपार रहियो, साम ततार निशु रक्ति साहि झोरी करे डार्यो। इसके बाद गाजी बंदी बंदी सुल्तान को गया ढिल्ली ढिल्ली नृपति, ढिल्ली मतलब यहां पर दिल्ली है, नर नाग देव स्तुति करे दीपति दीप दिवलोकपति। तो इस तरह आपने देखा, वास्तव में मैं आपको तैयारी की एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ मैंने यहां पर जो स्मरणीय तथ्य वाले कराया हूं। और आप किसी न किसी किताब को जरूर रिफर करें, इन तथ्यों को भी एक बार देख लें। और यदि आज का मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। यह टॉपिक कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, बहुत ही पुराना यह मतलब पुराना साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है। तो आपको निश्चित रूप से मेरे दोनों एपिसोड उतने अच्छे नहीं लगे होंगे, और अगर लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मेरे को तो कुछ उतना ज्यादा इसमें रुचि आई नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने इसको शामिल किया मेरे लेक्चर में। तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है रेवा तट के ऊपर। फिर मैं दूसरा लेक्चर लेकर आऊंगा जो आपके सिलेबस में है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी मौका है, जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।